सब्सक्राइब कीजिए एंटी आयुर्वेदिक रेमेडीज को और बेल आइकन को दबाइए हेल्थ टिप्स और होम रेमेडीज सबसे पहले देखने के। अगर आपको पीरियड्स में पेट में दर्द रहता है, शरीर में दर्द रहता है, हाथ पैरों में दर्द रहता है ना, इस उपाय को जरूर कर लेना। उसी दिन आपके पेट में दर्द हो या शरीर में दर्द हो वो छू मंतर हो जाएगा। अजमा के जरूर देख लेना, बहुत अच्छा तरीका है। दो टिप बताऊंगी, दोनों टिप आपको करनी है तो जानते हैं कि कैसे करना है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देती हूँ, अगर आपको हैवी ब्लीडिंग रहती है, हैवी ब्लीडिंग में क्या होता है ना, आपका एक्स्ट्रा खून निकलना चालू हो जाता है, इससे आपके शरीर में भी बहुत ज्यादा अनीमिया की प्रॉब्लम होने लगती है, आपके खून की कमी होने लगती है, शरीर में थकान रहने लगती है, शरीर में वीकनेस आ जाती है, तो ये उसको भी दूर करता है। आपके शरीर में जो खून की कमी है ना उसको दूर करेगा और आपका जो शरीर है ना हष्ट पुष्ट कर देगा। अजमा कर देख लेना, बहुत अच्छा तरीका है इन सारी चीजों का। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने उपाय की तरफ। पेट दर्द के लिए रामबाण उपाय है, जरूर कर लेना। तो आपको क्या करना है, आपको लेने हैं मखाने। आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने मखाने लिए हैं। मखाने को कैसे खाएंगे कि आपका जो पीरियड में जो पेट में दर्द है, थकान है या फिर शरीर में दर्द है वो चुटकियों में दूर हो जाए। तो आपको क्या करना है ना, आपको कम से कम 20 से 25 मखाने ले लेने हैं, ठीक है। 20 से 25 मखाने लेने के बाद आपको क्या करना है, एक बर्तन लेना है बड़ा, उसमें आपको पूरा बर्तन भर लेना है, उसमें आपको 20 से 25 मखाने डाल करके भिगो देना है। कब भिगोएंगे, रात के टाइम पे आपको उस मखानों को भिगो करके रख देना है दूसरे दिन सुबह तक, ठीक है। पूरी रात आपको उन मखानों को भिगो देना है। जब आप भिगोएंगे उन मखानों को तो आपके जो मखाने होंगे ना पानी में तैर रहे होंगे भिगोने के टाइम पे। जब आप सुबह उठेंगे तो सारे मखाने आपको बिल्कुल पानी के नीचे आपको मिलेंगे, क्योंकि वो फूल जाएंगे और पानी से भरे हुए हो जाएंगे। अब आपको इन मखानों को खाना कब है, जब आपके पीरियड शुरू हो जाए, आपके पेट में दर्द करे, तो आपको इन मखानों का सेवन करना है। एक साथ नहीं खाने हैं मखाने, कैसे खाएंगे, आपके जब पेट में दर्द करे तो आपको पूरे दिन में इनको थोड़ा थोड़ा करके खाना है। यानी कि 7-8 मखाने एक बार में खाएं, फिर 2 से 3 घंटे बाद 7-8 मखाने फिर खा लिए, फिर 2 से 3 घंटे में 7-8 मखाने फिर खा लिए। ऐसे कर करके पूरे दिन में थोड़े थोड़े मखाने करके खाते रहें जो आपने मखाने भिगोए थे। ऐसा करने से क्या होगा ना, आपके जो शरीर में वीकनेस है, आपके पेट में दर्द है, शरीर में दर्द है, खून की कमी है, वो पूरी दूर हो जाएगी और एक दिन में हो जाएगी। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी आपको 1 से 2 महीने करना पड़ेगा, एक बार के इस्तेमाल से ही आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो भी कमी है पीरियड्स के दौरान जो होता है, अगर आपको बहुत सारी समस्याएं वो दूर हो जाएंगी। आप खुद फील करेंगे कि पीरियड्स के दौरान अगर आपको पेट में दर्द होता है वो होना बंद हो गया है। दूसरा टिप क्या है कि अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द है तो ये तो आप करेंगे जो पहला टिप हो गया। दूसरा टिप ये है कि आपको एक ग्लास गर्म पानी करना है, इतना गर्म पानी कर लें कि आप पी सकें, ठीक है। आपने गर्म पानी कर लिया, उस पानी को आपको पीना है। कैसे पीना है, आराम से बैठ जाइए, बैठ करके पीना होगा उस पानी को और सिप सिप करके पीना होगा, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे चाय और कॉफी पीते हैं आपको वैसे करके पीना हो, थोड़ा थोड़ा करके आप गर्म पानी पीजिए। उसके साथ आपको क्या करना है, आपको गर्म पानी की पट्टियां अपने पेट पे लगानी है। थोड़ा सा गर्म पानी कीजिए, उसमें आप बड़ा कपड़ा डालिए, बड़े कपड़े को अच्छे से भिगो करके निचोड़ करके अपने पेट पे लगाइए। 3 से 4 बार ऐसे लपेट लपेट के लगाइए, गर्म करिए, फिर निचोड़िए, फिर पेट पे लगाइए। उससे क्या होगा ना, आपका जो पेट में दर्द होगा वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो ये 2 टिप थे आपके पेट के दर्द के लिए, क्योंकि बहुत महिलाओं को पेट में दर्द की समस्या पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा होती है। तो बहुत अच्छा तरीका लाई हूँ, उसी दिन आपका पेट में दर्द है, वीकनेस है, थकान है, शरीर में दर्द है, खून की कमी है, वो दूर हो जाएगी। एक बार के इस्तेमाल से ही आपको फायदा मिल जाएगा, तो जरूर करके देखिए। और ये उपाय आपको केवल और केवल पीरियड्स के दौरान करना है, डेली करने की जरूरत नहीं है, केवल आपके जब पीरियड्स आए तभी इस उपायों को करें, तो करके जरूर देखना। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा बहुत छोटा सा उपाय, जरूर करके देखिएगा अगर आपके पेट में दर्द रहता है पीरियड्स के दौरान। अगर आपको हमारी होम रेमेडी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लेकर आती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय।